हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक कटोरी मैदे से बनाने वाली हूँ इतनी अच्छी सी मिठाई एंड टेस्टी बनने वाली मिठाई, जिसे आप मतलब बड़े चाव से खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने मैदे की मिठाई बनाने के लिए ली है आधी कटोरी घी। ये देखिए, मैंने देसी घी लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने इसमें मैं जो हमारा जो घी है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, इसमें मैंने एक कटोरी जो है मैदा मिला कर रखी, तरह से इसको मिला देती हूँ मैं। और मैंने ये मतलब धीमी आंच पे अच्छी तरह से पकाया ताकि जो हमारा मैदा है उसका अच्छे से कलर चेंज हो जाए, और जो इसमें एक कलर चेंज हो जाए और मतलब इस जो उसका कच्चापन है वो अच्छी तरह से चले जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादा मतलब तेज आँच पर इसको नहीं पकाया, नहीं तो ये जल जाएगा फ्रेंड्स। यहीं पर फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जिससे हमारी मिठाई जो है बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से ऐसे ही मिलाती जाऊंगी जब तक इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए, हमारा जो अच्छी तरह से मिल चुका है, मैंने इसमें थोड़ा सा घी और मिलाया फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैं इसको अच्छी तरह से घी को भी इसमें अच्छी तरह से मिला देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप इस मिठाई को अच्छी तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं 10-15 दिन के लिए, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। जैसे बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आता है इस मिठाई में। आप एक बार बनाएंगे तो फिर मतलब आपको बार बार खाने का मन करेगा फ्रेंड्स, और आप इसे हफ्ते में 2-3 बार तो बना ही लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा अच्छी तरह से मिल चुका है, और ये अभी थोड़ा थोड़ा सा जो इसका घी है वो छोड़ने लगेगा फ्रेंड्स, हमारा जो मैदा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा हो चुका है, इतना पतला होने पर जो है इसने अपना थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, जो इसका थोड़ा कच्चापन था वो भी चला जा चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा हो चुका है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स, ये होने के बाद कैसा लगेगा, और मैंने इसको कर लिया करीबन आधा घंटे के लिए ठंडा कर लूँगी मैं इसको। इसके बाद हम जो इसके पेड़े बनाएंगे फ्रेंड्स, ये देखिए। और पेड़े बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी सी आधी कटोरी, देखिए आधी कटोरी भी नहीं है, मैंने चीनी को पीस लिया आप थोड़ा सा दरदरा पीसे, जिसमें एक अच्छा सा जो टेस्ट आता है ना चीनी का वो आता रहे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, जिसमें लम्स नहीं रहने चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स इसका कलर, और आप अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो बनाते ही रहेंगे फ्रेंड्स, और आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है वो बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसको ऐसी शेप में बना रही हूँ। ये देखिए अगर आपको बैटर आपका थोड़ा सा मतलब जो है टाइट लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा घी गर्म करके और भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं इसको ऐसे ही बनाते जा रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से बन रही है हमारे हाथों की सहायता से। ये देखिए, हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है फ्रेंड्स। ये देखिए कितने अच्छे टेस्टी लग रहे हैं। अगर आपको हमारे ऐसे पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड बाय बाय फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं।